सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में जैसे हमने देखा था नेट पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो मेगा स्पोर चार मेगा स्पोर बनाती है, जिसमें से तीन डीजनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल जो मेगा स्पोर है वो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। तो आज हम देखेंगे कि वही फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप करता है और मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। द फंक्शनल मेगा स्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वो हमारी पहली सेल होती है फीमेल गैमेटोफाइट की। द सेल अंडरगोज थ्री फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। अब देखिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी पहली सेल है, मीन्स जो हमारा मेगा फंक्शनल मेगा स्पोर है, उसमें तीन माइटोटिक डिवीजन होती है। लेकिन वो डिवीजन कैसी होती है? न्यूक्लियर फ्री, मीन्स वहां पे न्यूक्लियस आपस में डिवाइड होते हैं लेकिन कोई सेल फॉर्म, कोई मेम्ब्रेन फॉर्म नहीं होती उसके चारों तरफ। ठीक है, तो ये हमारी जो डिवीजन है ये कैसी है? फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन प्रोड्यूस टू न्यूक्लियेट एम्ब्रोसेट, टू न्यूक्लियस शिफ्ट टू टू एंड्स। अब देखिए क्या होता है, जैसे ये हमारा मान लीजिए फंक्शनल क्या है, मेगा स्पोर, इनने क्या करा, दो न्यूक्लियस बनाए। ठीक है, दो न्यूक्लियस बनाए और ये अपोजिट एंड्स पे मूव कर गए। ठीक है, ये चीज मैंने यहां लिखी है कि फर्स्ट डिवीजन प्रोड्यूस टू न्यूक्लियेट एम्ब्रोसेक, मीन्स दो न्यूक्लियस का एम्ब्रोसेक बनाएगा और दोनों न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे या टू एंड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियाई डिवाइड ट्वाइस फॉर्मिंग फोर न्यूक्लियेट एंड देन एट न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, ये दोबारा से माइटोटिक डिवीजन करेंगे, यहाँ पे चार सेल यानी फोर सेल क्या बन गया, एम्ब्रोसेक बन गया, फिर इसमें दोबारा से डिवीजन होगी और ये क्या बना देगा, एट सेल एम्ब्रोसेक। ठीक है, तो ये अभी स्ट्रक्चर मैं ऐसी बना रहा हूं, अभी आपको मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, सो ये हमारा एट न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बन गया। वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच साइड मूव्स टू मिडल, दे आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लाई। अब क्या होता है कि दोनों साइड से एक एक जो हमारे सेल है वो सेंटर की तरफ मूव कर जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए तीन, ये तीन, और एक एक हमारे सेंटर की तरफ मूव कर गए, तो ये जो दो हमारे सेंटर की तरफ मूव कर गए इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, द रिमेनिंग थ्री न्यूक्लियाई फॉर्म सेल एट टू एंड्स। और ये क्या, बाकी के जो बचे हुए तीन न्यूक्लियस हैं अपने अपने एंड पे वो सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। द थ्री माइक्रोपाइलर सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एग एपरेटस। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो तीनों सेल प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कलेक्टिवली एक साथ एग एपरेटस कहते हैं। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ टू सिनर्जिड्स एंड वन एग सेल। और जो एग एपरेटस होता है वो दो सिनर्जिड सेल को कंसिस्ट करता है और एक एग सेल को कंसिस्ट करता है। सिनर्जिड सेल बियर फिलिफॉर्म एपरेटस इन माइक्रोपाइलर रीजन। अब जो सिनर्जिड सेल होती है माइक्रोपाइलर रीजन में, उनके पास फिलिफॉर्म एपरेटस होता है। सो अब हम फिलिफॉर्म एपरेटस का फंक्शन देखते हैं। प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग पोलन ट्यूब। ये क्या करता है, जो पोलन ट्यूब बनती है मीन्स जब पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है, तो जहां पे एग्जाइन अब्सेंट होती है वहां से पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट होती है एंटाइम के द्वारा, और उस पोलन ट्यूब को ये फिलिफॉर्म एपरेटस क्या करता है, गाइड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में फॉर्म होना है और किस डायरेक्शन में जाना है। थ्री सेल एट चलाजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल। जो तीन सेल चलाजल एंड पे होती है उन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। सेंट्रल सेल इज लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रोसेक एंड रिच इन रिजर्व फूड। अब देखिए, जो मेन सेल है हमारी, मीन्स ये हमारी कहलाती है सेंट्रल सेल, और इस पे काफी ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, मीन्स ये फूड को स्टोर करके रखती है। सो ये जो डायग्राम है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये जो फॉर्मेशन है, ये बोर्ड एग्जाम में काफी पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर था इसने पहली माइटोसिस करी, ठीक है, और क्या करा, दो न्यूक्लियस का एम्ब्रोसेक बनाया। फिर इन्होंने क्या करा, माइटोसिस टू करी और चार न्यूक्लियस का एम्ब्रोसेक बनाया। इन्होंने माइटोसिस थ्री करी और एट न्यूक्लियस का क्या बनाया, एम्ब्रोसेक बनाया। ठीक है, अब हमने एक पढ़ा था कि दोनों एंड से एक एक जो न्यूक्लियस है वो सेंटर की तरफ मूव करेगा, तो ये क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये सेंटर में पहुंच गए और इन्हें हमने क्या कहा, पोलर न्यूक्लियाई। अब जो हमारी ये तीनों सेल है, मीन्स जो हमारी माइक्रोपाइलर की तरफ सेल है, इन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं एग एपरेटस, जिसमें से दो हमारी बनती है सिनर्जिड और एक बनती है एग सेल। ठीक है, और जो हमारी चलाजल एंड की तरफ है ये हमारी क्या है,
एंटीपोडल सेल, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखिए एक कंप्लीट डेवलपमेंट दिखाता हूं मैं, ये रहा। इसमें जो हमारी माइक्रोपाइलर की तरफ दो सेल है, ये हमारी कहलाती है सिनर्जिड सेल और ये हमारी कहती है एग सेल। और एग सेल और सिनर्जिड सेल को कलेक्टिवली हम कहते हैं एग अपरेटस, ठीक है। अब जो सिनर्जिड सेल है इनके पास फिलीफॉर्म अपरेटस है, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है। ये क्या करती है, पोलन ट्यूब को गाइड करती है, ठीक है। सेंटर में प्रेजेंट दो न्यूक्लियस हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। चलाजल एंड की तरफ तीन सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, और ये जो हमारी मेन सेल है इसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल। तो ये है एक कम्प्लीटली डेवलप एम्ब्रियो सैक, या फिर आप इसे एट न्यूक्लियस सेवन सेल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। सो आप याद रखिएगा कि एनसीआर बोर्ड एग्जाम में आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ, या फिर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे, या फिर आपसे कहेगा एक्सप्लेन द सेवन सेल एट न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में और पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।